नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके स्टडी पर। तो दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, हर क्वेश्चन में चार ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ सही आंसर ही बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर एक इस प्रकार से होगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? आंसर दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर दो, वह शासक जिसने एक सच्चे मुनि की जैन की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, वह कौन था? आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर तीन, त्राइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? आंसर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच। क्वेश्चन नंबर चार, बंगाल का मुगल साम्राज्य ने इसे पृथक कर स्वतंत्र किया? आंसर मुर्शिद कुली खान। क्वेश्चन नंबर पांच, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? आंसर 1856 में। क्वेश्चन नंबर छह, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? आंसर 1858 के बाद। क्वेश्चन नंबर सात, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? आंसर 7 वर्षों तक। क्वेश्चन नंबर आठ, आर्य भारत में कहां से आए थे? आंसर केंद्रीय एशिया से। क्वेश्चन नंबर नौ, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? आंसर आर्य अवधि में। क्वेश्चन नंबर दस, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? आंसर चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर ग्यारह, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किसके बीच हुई थी? आंसर बेगम खान और हेमू। क्वेश्चन नंबर बारह, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? आंसर अफगानिस्तान का। क्वेश्चन नंबर तेरह, मस्तानी किस शासक की प्रेसी थी? आंसर बाजीराव पेशवा। क्वेश्चन नंबर चौदह, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? आंसर खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर पंद्रह, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? आंसर सूरत में। क्वेश्चन नंबर सोलह, पहली सहायक संधि कौन सी थी? आंसर निजाम। क्वेश्चन नंबर सत्रह, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? आंसर पुरंदर दास। क्वेश्चन नंबर अठारह, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर उन्नीस, निम्नलिखित में मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता था? आंसर शाहजहां को। क्वेश्चन नंबर बीस, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? आंसर गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 21, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? आंसर आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 22, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात्र किसके द्वारा किया गया था? आंसर महायान संप्रदाय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, ताजमहल की डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था? आंसर उस्ताद ईसा। क्वेश्चन नंबर 24, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? आंसर कल्कि को। क्वेश्चन नंबर 25, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? आंसर पंचमहल। क्वेश्चन नंबर 26, कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 27, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? आंसर आर्य समाज। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया है? आंसर अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? आंसर रजिया बेगम। क्वेश्चन नंबर 30, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? आंसर मैसूर का। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? आंसर महमूद बिन कासिम। क्वेश्चन नंबर 32, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसने किया था? आंसर चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 33, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों का पवित्र माना जाता है? आंसर गुरु गोविंद सिंह की। क्वेश्चन नंबर 34, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? आंसर सुल्तान महमूद। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? आंसर
अजंता की गुफाएं। क्वेश्चन नंबर 36, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते हैं? आंसर, पशुपति की। क्वेश्चन नंबर 37, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है? आंसर, बौद्धों का। क्वेश्चन नंबर 38, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब शुरू हुई थी? आंसर, 1761 में। क्वेश्चन नंबर 39, मुगल साम्राज्य की नींव किसके लड़ाई के बाद मानी जाती है? आंसर, पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। क्वेश्चन नंबर 40, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? आंसर, 1526 में।